So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. I am currently pursuing my MD at AIIMS New Delhi. I have done my MBBS also from AIIMS New Delhi itself. Now, NEET में मेरे 165 marks आए थे physics में and उसके लिए मैंने honestly 2 साल रगड़ के मेहनत की थी. देखो यहां पर ये बात नहीं करने वाले हैं कि कैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में 720 में 720 नंबर या 180 में 180 नंबर फिजिक्स में लाने, बट रियलिस्टिक बात करने वाले हैं. जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं 41-42 क्वेश्चन सही करने के फिजिक्स में नीट 2024 में, उनके क्या एक प्लान रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए. तो सबसे पहले तो यार मैं आपको एक क्लियर चीज बता दूं कि फिजिक्स मजाक नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी नहीं है. देखो मैं आपको अगर एनालॉजी से समझाऊं कि कितना मुश्किल है, तो बायो में जितना 330 से 340 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको फिजिक्स में 160 प्लस नंबर लाने के लिए. जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले से ही मैथ्स हमारी एक वीक जो है वो सब्जेक्ट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ने पीसीबी चूज किया होता है और हमारा मैथ्स तब भी पाला जो है वो नहीं छोड़ता है, फिजिक्स के फॉर्म में वापस आ जाता है. दूसरी चीज, 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 11th में आप जब आते हो थोड़े से रिलैक्स रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, कंसेप्ट नहीं बिल्ड करते हो. नाउ जब आप 12th में सीरियस होते हो बोर्ड्स के लिए, तो आपको आपने लेट से बायो का कोई चैप्टर उठा लिया, इकोलॉजी का कोई चैप्टर उठा लिया, आपने पीछे की बायो 11th की नहीं पढ़ी है, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा आपके उसमें फुल मार्क्स स्कोर करके होंगे. ऑन द अदर हैंड फिजिक्स में ऐसा नहीं है. अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चाहे वो क्लास 12th का चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो 11th के एंड चैप्टर्स ना हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला. क्योंकि यहां पर सिंपल सी चीज है यार, कि अगर तुम्हें फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके 4 स्टेप्स हैं यार करने के लिए. तुम्हें स्टेप नंबर 2, 3, 4 जो 12th में आता है वो आता है, लेकिन स्टेप नंबर 1 नहीं आता. सो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर राइट इन दैट क्वेश्चन. सो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन, अपने जो बेसिक कंसेप्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, आपका ये स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छे से 1 महीने लगाओ और शिद्दत से इस पर वर्क करो. क्वेश्चन जितने पॉसिबल लगाओ, इसको स्ट्रांग करो. नेक्स्ट क्या करना है आपको, मैं पिछले 6-7 महीने से ये चीज रट रहा हूं, बार बार रट रहा हूं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आपको शायद से बात समझ नहीं आ रही. लोग क्या सोचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब, कि भाई पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखे, उसका सोल्यूशन देखे, रटे, खत्म. दैट इज नॉट इट. आपको क्या करना है कि भाई लेट से इस साल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आ रहा है, तो अगले साल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे आएगा, ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ लाइट पे प्रोजेक्टाइल आएगा पे क्वेश्चन आएगा, राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज सच रिपीट होंगे, उससे कई ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और 101% मैं बोल सकता हूं कि भाई वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स जो है, जो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक आया है, वो रिपीट होने वाला है. आगे आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये दिखवा भी दूंगा कि यार ये एक्चुअली ये चीज होती है. आपको 3-4 एग्जांपल्स देके समझा देंगे क्या कि एक्चुअली ये चीज हो रही है और कितना इंपॉर्टेंट ये चीज करना. सो आपने क्या किया कि भाई पिछले 10 साल में जितने 600-700 क्वेश्चन है, क्योंकि रीनीट्स भी हुए हैं, उसमें आपने देखे कि यार कितने क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे, है ना, वो कंसेप्ट नहीं क्लियर आपके. लेट्स से 700 क्वेश्चन में से आपके 500 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, ये 500 जो टॉपिक्स हैं, है ना, वो बहुत सारे ओवरलैप भी होंगे, ये लिख लो और सबसे पहले इसको स्ट्रेंथन कर लो. नाउ आपने, आप सोचते हो कि आप कोई भी आपने बैच ज्वाइन कर लिया, कोई भी लेक्चर आपने ज्वाइन कर लिया आपके, उसकी वजह से मार्क्स जो है वो शायद से आप फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे. ऐसा नहीं है. फिजिक्स में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर खत्म होने के बाद, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, बिना देखे सोल्यूशन को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी जाके आपके फिजिक्स में एक्चुअल नीट में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे. दैट इज वॉट इज देयर. नाउ मेरे को क्लास 11th एंड 12th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो कंसेप्ट था, इवन मैंने प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो थे जेई मेंस के मैंने सॉल्व किए हुए थे, एंड इट हेल्प मी अ लॉट. नीट के भी किए थे, जेई मेंस के भी किए थे, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स भी किए हुए थे. दिस वॉज टोल्ड टू मी कि भाई ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो बाय माई खुद, जो मेरे जो खुद के टीचर हैं, डॉक्टर पीयूष सर, है ना, ही हैज डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम IIMS BHU, एंड you all have an opportunity to be taught by him and first time ever in a FAT based manner, जहां पर कि जो important, जो बार बार repeat होने वाली चीजें हैं physics में, वो आपको पहले पढ़ाई जाएंगी, उस पर focus करके पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको last में जब revise भी करना पड़े, तो उन चीजों को आप बार बार revise करो. नाउ कितना इंपॉर्टेंट है FAT करना, कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये आपको सर जो है आगे के 5 से 8 मिनट में समझाने वाले हैं. सो ओवर टू डॉक्टर पीयूष सर, एंड यू विल बी ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ टीचर एज आई वॉज. हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, बढ़िया.
T23 खत्म और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, ढेर सारे आप लोगों में से, जो कि आप 24 की तैयारी में लगे होंगे, नीट 24 की तैयारी में, और ढेरों वीडियो आपको लोडेड हो चुके हैं यूट्यूब पर, कैसे 700 पार करना है, कैसे बायो में 180 पाना है, कैसे फिजिक्स में 180, कैसे केमिस्ट्री में 180 करना है, ठीक है ना। हर चीज के लिए आपके पास ढेरों वीडियो है, नो डाउट बेटा। हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होगा। हम बात करते हैं फिजिक्स की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने या लास्ट के 7 डेज में कोई आपको टॉनिक मिल जाएगा या कोई स्पेशल हिडन सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीट आपके डॉक्टर अमन तिलक, अमन भैया हों, चाहे आर्यन हो, चाहे कोई भी टॉपर हो जिनको मैंने पढ़ाया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मिस हो गई, आई एम डॉक्टर पीयूष पंत एंड आई हैव बीन मेंटरिंग नीट एंड ITJEE स्टूडेंट फॉर लास्ट 20 ईयर्स। इस बीच हमने कई एम्स टॉपर्स, कई एम्स में हमारे बच्चे, ऑलमोस्ट इंडिया के हर जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं सब में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो आपको ये समझना है बेटा कि लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। आपको शुरू से डे वन से बिल्कुल क्लियर रहना है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। चीज एकदम सिंपल सी है, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और इस लेवल तक जाना है कि उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकें। कॉन्सेप्ट समझने और अप्लाई कराने के बीच में टीचर का रोल होगा, जिसके लिए मैं हूं। दूसरी चीज आपको समझनी है कि जो फिजिक्स में, नो डाउट आपके पास भाई एक सब्जेक्ट की होल सोल कमांड होना जरूरी है, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें से बार बार एग्जामिनर के जो फेवरेट होते हैं और उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आता है। नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस होके ही हम टॉपिक्स को निकालते हैं, बट आप क्या गलती करते हो, आप सोचते हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होगा। ऐसा नहीं है, बेसिकली प्रीवियस ईयर के हमेशा टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे देखिए, हम इसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। जैसे आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक है रोटेशन चैप्टर से जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट रहता है। हर साल आपको इसमें बदल बदल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे देखिए 2021, देन 2022 में, देन 2023 में। तो आप देखेंगे कि आपको इसी तरह से आपका AC चैप्टर, उसमें आप देखोगे LCR सर्किट में कभी आप पावर फैक्टर का क्वेश्चन पाओगे, कभी आप इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पाओगे कि हमने L को रिमूव कर दिया, C को लगा दिया, फिर C को रिमूव कर दिया, कभी आप देखोगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पाओगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक डायपोल से चेंज हो के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी कुछ किसी तरह का। इसी तरह से आप ऑप्टिक्स से देखोगे तो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है लेंस पर बेस होके, कभी लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा हुआ है, उसके बाद आपसे एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। देन 2022 में आप देखोगे लास्ट ईयर एक कॉम्बिनेशन पूछ लिया कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। इस साल आप देखोगे तो फिर से कॉम्बिनेशन था जहां पर आपके तीन मिरर, बेसिकली तीन मिरर का केस बन रहा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अगेन कॉनकेव। तो इस तरह से क्या है कि एग्जामिनर के पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसपे बेस होके बार बार पढ़ाया जाता है। तो सवाल ये है कि आपने अगर आज की तारीख में मार्केट में आप कह सकते हैं कि 1,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने जो भी कोर्स किया अगर उससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बेटा सेम चीज करके, सेम चीज को सेम तरीके से करके आप रिजल्ट में चेंज नहीं ला सकते। तो आपको कहीं ना कहीं पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करेंगे, आपके लिए हम लाए हैं इंडिया की एक बेस्ट टीम जिसमें बायो आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर आनंद मणि, फिजिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा डॉक्टर पीयूष पंत, और केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे आंचल अरोड़ा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो खुद अपने में सफिशियंट है। डॉक्टर आनंद मणि का आपको पता ही है कि लास्ट के 48 आवर्स में ही उनके रिवीजन कराए हुए, और रिवीजन किसका कराएगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होंगे, तो उनके टॉपिक्स में से ही ऑलमोस्ट 95 से ज्यादा क्वेश्चन उनके टॉपिक्स में से आ गए। लास्ट के रिवीजन के में से आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट के टाइम से आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको लास्ट के टाइम पर ही पढ़ना, लास्ट के टाइम पर सिर्फ रिविजन होता है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप शुरू से उन फ्रीक्वेंसली आस्क्ड टॉपिक्स पे अपना कमांड बनाकर चलेंगे तो आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आप ये समझिए। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस के बाद उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ओपन रहेगी आपके लिए, आप उनको साल भर में कभी भी देख सकते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल पूरा अवेलेबल रहेगा, आपके पास टेस्ट सीरीज, उसका डिस्कशन, उसकी एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी आपके पास होगी, आपके पास डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि DPPs आपको मिलेंगी, आपके पास NCERT रिव्यू करने का पूरा आपको एक चांस मिलेगा। इसके अलावा कुछ नीट के लिए कुछ इस साल सिलेबस में चेंज हुआ है NCERT में, तो हम लोग पहले आपको जो चेंज सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में दिसंबर तक आते आते हमको पता चलता है कि नहीं, NTA ने इस चीज को रखा हुआ है अपने सिलेबस में या ये चीज नहीं हटी है,
तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक हम लोग अपना पहले सिलेबस पूरा कर लेंगे, और अगर एक आध टॉपिक कोई एनटी के हिसाब से बचे भी रह जाते हैं तो उनको हम लोग फिर से दोबारा एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों ही सब्जेक्ट में आपको हर जगह पर बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एफएटी यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। ठीक है ना बेटा। सो इस कोर्स के लिए आपको क्या करना है बेटा, नीचे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना, लिंक पर जाके आपको क्लिक करना है। और इस कोर्स की प्राइस है 6999, बट आपको एक कोड यूज करना है NEET24 और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मीन अबाउट 1400 डिस्काउंट के बाद इस कोर्स की प्राइस आपके लिए रह जाएगी 5600 ओनली। ठीक है ना बेटा। सो आप लोग नीचे जाके लिंक पर इस कोर्स को परचेस करिए। 20 मई से ये कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और मैं फिर रिपीट कर दूं, बायो पढ़ाएंगे डॉक्टर आनंद मणि, फिजिक्स मैं खुद डॉक्टर पीयूष पंत, और केमिस्ट्री में रहेंगी आंचल अरोरा मैडम। सो सी यू बच्चों, 20 तारीख को मिलते हैं और कुछ करते हैं इस बार बढ़िया सा काम, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा से ज्यादा बने। थैंक यू।